तो आज का जो सेशन है हमारा, आज का सेशन है हमारा जिसमें हम सिखाएंगे आपको एक्सेल के फीचर्स के बारे में। तो एक्सेल जैसे कि कल लास्ट क्लास में आपको मैं रिकॉर्डिंग दिया था, रिकॉर्डिंग को आपने देखा था। आज हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको हम बताएंगे एक्सेल के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है शॉर्टकट हैंडलिंग। शॉर्टकट हैंडलिंग के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो ऐसी चीज जैसे एक्सेल के अंदर जो शॉर्टकट्स होते हैं, उस शॉर्टकट्स में किस तरीके से हम काम करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम एक्सेल आपके सामने खुला हुआ है, एक्सेल 2007 का वर्जन है। तो एक्सेल के आर्किटेक्चर के बारे में हम बात करें तो बेसिकली वो होता है रो एंड कॉलम का कम्युनिकेशन होता है, और एक एक सेल्स होते हैं। जैसे कि आप लोग टेबल्स बनाते थे ना, क्यारी वगैरह बनाते थे, एक एक खाना होता था, तो वही यहाँ पे होता है। तो हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इसका एड्रेस है C3, मतलब सी नंबर, सी नाम का कॉलन और 3 नंबर रो। तो ऐसे हर सेल का, हर सेल्स का जो है एक एड्रेस होता है जो कि एक सीट के अंदर होता है, और सीट एक फाइल के अंदर होता है। तो C3 सीट वन के अंदर में C3 है। तो अगर इसको पूरी के पूरी पाथ अगर हम लिखेंगे तो इस लिखेंगे कि बुक वन के अंदर C1 और C1 के अंदर C3। इसके अंदर जो भी टाइप करेंगे, चाहे नंबर हो, टेक्स्ट हो, फॉर्मूला हो, वो C3 की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है। तो अगर हम जिक्र करें कि मतलब कि एक सेल में हम लिमिटेशन से बात करते हैं, लिमिटेशंस की, कि एक्सेल का लिमिटेशन क्या है हमारा, ठीक है ना, कि एक्सेल को कितने रो हैं, कितने कॉलन हैं, कितने आपके एक कॉलम को हम कितना बड़ा कर सकते हैं, एवरीथिंग, पूरी की पूरी लिमिटेशन का लिस्ट हमें चाहिए। तो एक्सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके एक्सेल के अंदर में ही होता है। आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिए, जैसे हम F1 प्रेस करते ही आपके सामने खुल के आता है, उसको बोलते हैं एक्सेल हेल्प। इस तरह से इसको यूजर मैनुअल भी कह सकते हैं, आपका एक्सेल का यूजर, इसका यूजर मैनुअल भी होता है कंप्यूटर एक्सेल का। कभी कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसके साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, तो एक्सेल भी एक प्रोडक्ट है तो इसके साथ उसका यूजर मैनुअल आ रखा है। ठीक है सर। तो आपको कुछ भी ढूंढना हो तो आप इस पे ढूंढिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर किस पे ढूंढते हैं, गूगल पे ढूंढते हैं। बात सही है, गूगल पे हम ढूंढते हैं, गूगल पे चीज़ें मिल भी जाती हैं, लेकिन एक चीज़ आपको हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि जो गूगल पे चीज़ें हैं, वो गूगल पे जो चीज़ें दी गई है वो 100% सही नहीं है, वो गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। गूगल पे कौन डालता है? ब्लॉग्स और वेबसाइट के जरिए हम जैसे, आप जैसे लोग डालते हैं। लेकिन एक्सेल हेल्प में जो चीज़ें दी हुई होती है वो 100% सही होती है प्रूफ रीडिंग के साथ। तो पहले आप एक्सेल हेल्प में ढूंढें, एक्सेल हेल्प में ना मिले तो गूगल पे सर्च करें, या नहीं समझ में आए या उससे कुछ ज़्यादा चाहिए तो गूगल पे सर्च करें। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिमिट सर्च करेंगे, LIMITS लिमिट्स, तो लिमिट सर्च करते हैं यहाँ पे, आपको एक्सेल की यहाँ पे आपको लिमिट्स का सर्च आ गया। सबसे पहला आपका आता है लिमिटेशंस, एक्सेलिफिकेशंस एंड लिमिट्स, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट आ गई जिसमें आपको फीचर्स एंड मैक्स कम लिस्ट दिए हुए। ठीक है। फीचर्स और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ओपन वर्कबुक, एक बार में हम कितने वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, वर्कशीट की साइज में रो वन कॉलम कितने हैं, कॉलम की विड्थ कितना है, रो की हाइट कितनी है, कितने पेज ब्रेक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर एक सेल के अंदर कितने हैं, ये सारी चीज़ में है। तो इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप कैजुअली पढ़ लीजिए तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपको आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है सर। तो निकालना कैसे है, आप कीबोर्ड का F1 प्रेस कीजिए, या फिर जो यहाँ जो हेल्प बटन आता है क्वेश्चन मार्क वाली, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे एक्सेल हेल्प खुल के आ जाएगा। इसमें आप सर्च कीजिए LIMITS लिमिट्स, एंटर मारिए। एंटर मारते यहाँ पे एक्सेलिफिकेशन एंड लिमिट्स आ गया, इस पर क्लिक कीजिए। आपको इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे वर्कशीट एंड वर्कबुक एक्सेलिफिकेशन एंड लिमिट्स आपके यहाँ दिखिए।
ठीक है सर। हाँ सारी लिमिटेशंस के अंदर में इंक्लूड है आपकी, आपको इस पे एक बार पढ़ लो, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो सारी लिमिटेशन आ जाएगी आपको। तो लिमिटेशन कैसे लाना है समझ में आ गया आपको? हाँ अब यहाँ पे जिक्र करते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि हमें लिमिटेशन जान के क्या फायदा है, क्या जरूरत क्या है, हमें क्या लेना देना है कि कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा होना होगा हम खींचेंगे बड़ा हो जाएगा, क्या फायदा क्या है जान के, तो खामा खा इसके रट्टा मार देगा। देखिए नॉर्मल एक्सेल में किसी हद तक आपका जरूरत नहीं है, लेकिन आप वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको जानना जरूरी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, हर एक चीज को हम टाइप करते हैं, ठीक है सर, हर एक चीज को हम टाइप करते हैं, तो वहां पे करेक्टरी टाइप करते हैं। तो वहां पे अगर मान लीजिए हमने लिखा कि एक्सेल वीबीए, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया कि रेंज कॉलम के लिए, तो वीबीए टाइप किया रेंज बी वाई बी डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर हमने लिख के दिया। तो अगर नंबर इसके लिमिटेशन से बाहर हुई तो उस केस में इसका पता होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए हम उसके लिमिटेशन पता होगा तो उसको हम स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे। दूसरा कि एक सेल में कितना नंबर करेक्टर आप टाइप कर सकते हैं, इसका ही पता होना चाहिए, तभी तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कौन सी वैल्यू कट गई है। या फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम एक सेल में कितने इफ फॉर्मूला या ऐसे फॉर्मूला कैसे लगा सकते, कितना नंबर मर्ज कर सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशन नहीं डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ फॉर्मूला, लेकिन डिपेंड करती है कि आपने इसके अंदर के में कितने करेक्टर डाल रखे हैं, क्योंकि 32,700 करेक्टर तक आप डाल सकते हैं। जब मैं सम लिखा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया, तो इसमें इसके आप काउंट कीजिएगा तो इसको 8 या 10 करेक्टर है, भले इसका रिजल्ट एक करेक्टर में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है कितनी लिखी हुई है, 10 करेक्टर लिखी हुई है। तो इतने नंबर ऑफ इसकी लिमिट लिमिट होगा कि जब तक आप इसमें 32,767 पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इसमें आपका एंड वैल्यू एंटर होता रहेगा। ठीक है, तो यहां पे यूज करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे पास एक्सेल की, हमने लिमिट्स के बारे में थोड़ा सा जान लिया, और नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है कि एक्सेल के आगे किसी फीचर्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो हम कैसे पता करेंगे। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर ऑप्शंस के बारे में अगर पता करना है तो कैसे पता करना, तो सबसे पहले बात की जैसे उस पर कर्सर लेके जाइएगा ना, उसका स्क्रीन टिप्स आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, पेज द कंटेंट ऑफ द क्लिप बोर्ड, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे देखिए कि हाईलाइट इंटरेस्टिंग सेल्स एम्फेसिस यूजुअली वैल्यू एंड विजुलाइजेशन डेटा यूजिंग द डेटा बॉक्स कलर स्केल्स एंड आइकन सेट एंड बेस्ड ऑफ द क्राइटेरिया, या फॉर्मेटेबल भी क्लिक करते आता है, क्विकली फॉर्मेट ए रेंज ऑफ द सेल एंड कन्वर्ट टू ए टेबल बाई चूजिंग द प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल। तो ऐसे आपके जो है आपके पास इसके बारे में आपको वहां से पता चल जाएगा, तो आपको बार बार यहाँ पे कर्सर डाल के एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, तो बार बार आपको वहां पे टेबल जाने करके आपको एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसके लिए आपके लिए फायदा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, और नेक्स्ट आता है हमारा कि इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते आपके पास क्या होता है कि नीचे F1 प्रेस F1 लिखा होता है, मैंने क्लिक किया तो प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प,
जैसे मैं F1 प्रेस करूंगा तो मुझे हेल्प खुल के आएगा, और हेल्प नहीं वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डली हुई होगी, डली हुई है। तो वही पर्टिकुलर हमने कंडीशन वर्डिंग में कर्सर रख के किया था, तो यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही हेल्प दिख रहा है। तो ऐसे जिसका हेल्प चाहिए उस पर कर्सर रखेंगे, अपने आप आपको हेल्प आ जाएगा। प्लेस वन हेल्प यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको आ जाएगा। लेकिन सबका नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, जिस पे प्रेस F1 हेल्प लिखा हुआ उसी का आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इस पे पेस्ट पे, इसमें क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है क्लिक हियर टू मोर ऑप्शंस, इस पे नहीं आएगा। इस पे F1 प्रेस डालोगे तो आपका वही होम का और इसका आएगा, हेल्प का होम आएगा। तो इससे आप हेल्प ले सकते हो, क्लियर है। अब बारी आती है शॉर्टकट्स की। अब शॉर्टकट्स देखिए क्या होता है, हर हर ऑप्शंस को हम दो तरह से यूज करते हैं। एक तो हमें कि उसकी ऑप्शन जहाँ पे दिया हुआ है उसे माउस के पॉइंटर से पॉइंट करके हम क्लिक करके वही अप्लाई करते हैं। दूसरा उसका एक कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं कि मैं कीबोर्ड का कंट्रोल सी दबाने से हम यूज इसका कर सकते हैं। तो कीबोर्ड जो शॉर्ट कीबोर्ड के जरिए जो हम यूज करते हैं, तो माउस के अपेक्षा कीबोर्ड के जरिए हम यूज करें तो हमारा स्पीड जो है बढ़ जाता है। मतलब कि अगर माउस से काम कर रहे हैं आप, उसी काम को कीबोर्ड से करें तो आपका माउस के अपेक्षा कीबोर्ड का 30% स्पीड आपका बढ़ जाता है, ऐसा माना गया, मैं भी जानता हूँ। तो इस बार आप कैसे पता चलेगा हमको कि भाई कीबोर्ड का शॉर्टकट कौन कौन है, कैसे पता चलेगा किस ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है? तो उसके लिए बस उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आप अपना कर्सर रखो तो आपको पता चल जाएगा किस ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। देखिए कंट्रोल बी पता चल रहा है, ऐसे आपको यहाँ पे फिल्टर पे जाइए, कंट्रोल शिफ्ट एल। लेकिन ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हर एक ऑप्शन पे कर्सर रखना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा लिस्ट चाहिए जिसको मैं याद कर सकूँ या अपने वर्क स्टेशन पे प्रिंट आउट लगा के निकाल कर लगा सकूँ। तो उस केस में हम आप F1 हेल्प पे जाइए, F1 प्रेस कीजिए और उसी पे आपको मिलेगा यहाँ पे शॉर्टकट, शॉर्टकट्स एंटर मारे, शॉर्टकट पे देखिए यहाँ पे आ गया आपको कीबोर्ड शॉर्टकट एंड फंक्शंस की, नहीं नहीं फंक्शन ये रहा, एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की क्लिक कीजिए और यहाँ पे शॉर्टकट्स और इसकी डिस्क्रिप्शंस आगे सारे। तो कहीं गूगल सूगल में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको सारे कीबोर्ड शॉर्टकट अवेलेबल है, ठीक है सर। अब इसको इसको रट्टा मारने से आपको याद नहीं होगा, आप इसको रट्टा मार लीजिएगा आपको याद हो जाएगा। हाँ प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा, बिना प्रैक्टिस, जैसे आपको एंटर मारने के लिए सोचना पड़ता है या कंट्रोल सी करने के लिए कीबोर्ड देखनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि तो आपने इसको इतना बार यूज कर रखा है कि आपका दिमाग आपका उंगली पर सेट हो रखा है। जैसे दिमाग जैसे जरूरत जरूरत महसूस होती है दिमाग ऑटोमेटिक उंगली को वहां कंट्रोल सी पे ले जाता है। तो उसी तरह से सारे प्रैक्टिस पे हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे कैसे? तो मैं बच्चों को सलाह देता हूँ कि आपके ऑफिस के आवर के अंदर में ऐसे 1 या 1.5 घंटे का टाइम होगा जहाँ पे आपके पास काम कम होंगे, काम कम होंगे, जहाँ जिस समय आपके पास काम कम होंगे उसी समय आप कंट्रोल सी यूज करेंगे, ठीक है। उसी समय आप जो है पूरे पूरे जो एक काम है उस काम को आप विदाउट की माउस करें। आपके ऑफिस में 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम है जिसमें आपके पास काम कम है, काम हैवी, तो उसके लिए डेडलाइन नहीं है कि आपको आधे घंटे में देना, तो शुरुआत में तो टाइम लगेगा आपको करने में। तो उस समय आप पूरा सोच लीजिए कि मेरा पूरा का पूरा काम कीबोर्ड के जरिए ही करना है, माउस बिल्कुल यूज नहीं करना। धीरे 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 वो 2 घंटे आपके पूरे ऑफिस आवर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप स्मरण कर ले कि 2 घंटे आप बिना माउस के कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, और ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके कीबोर्ड पे कमान हो जाता है, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं आप पूरा का पूरा काम कीबोर्ड के जरिए करते हो, तो सोचिए कि आगे वाले का कितना इंप्रेशन बनेगा। तुरंत समझ आएगा बंदे के पास एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि हर कोई जानता है कीबोर्ड पे जो स्पीड है
रट्टा मारने से नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है, और प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होता है, तो एक अलग इम्पैक्ट बनता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप इसको कन्वर्ट करें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, और नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कि मैंने आपको सलाह तो दे दिया कि हर एक ऑप्शन को कीबोर्ड के जरिए आप करें, लेकिन हर एक ऑप्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट तो है ही नहीं। अगर मैं कलर अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो कलर अप्लाई करने का कोई शॉर्टकट है सर? हाँ, तो इसके लिए आप ऑल्ट की प्रेस कीजिए, तो ऑल्ट की प्रेस करते ही आपके जो ऊपर वाला मेनू बार है सारे एक्टिवेट हो गए। अब होम कलर किसके अंदर में? होम के अंदर में है, तो वापस एच दबाओ, फिर एच से आपका फिल आ गया, और फिल जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। ऐसे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है, इसको सेलेक्ट करूँगा अल्ट एच B4 बॉर्डर, और कौन सा बॉर्डर? तो ऑल बॉर्डर, तो ए फॉर ऑल बॉर्डर। एक बार मुझे देखना पड़े, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे पैटर्न सेट हो गया कि एच से होम, बी से बॉर्डर, और एच से ऑल बॉर्डर। तो नेक्स्ट टाइम मुझे अगर अप्लाई करना होगा तो मैं सीधे बोलूँगा अल्ट एच बी ए। जल्दी हो गया? तो इस तरह से आप पैटर्न आपकी याद कर सकते हो। और आपको राइट क्लिक करना है तो आपके पास सिस्टम में राइट क्लिक का ऑप्शन है, उससे भी कर सकते हो, आपके कीबोर्ड में होता है। जब भी हम राइट क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, हर ऑप्शन के कोई ना किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, कट में टी के नीचे, कॉपी में सी के नीचे, ये आपके शॉर्टकट्स हैं। और मुझे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो एफ के नीचे है, तो मैं अपने कीबोर्ड का एफ प्रेस करूंगा, तो एफ प्रेस करते आप देखिए आपका फॉर्मेट सेल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप जो अप्लाई करना चाहते करो, अब मैं टैब्स इसके अंदर में मूव करूँगा, कंट्रोल टैब से अगली इसमें टैब में जाऊँगा, और शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, पीछे आना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब करेंगे तो पीछे आएंगे, कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल शिफ्ट पीछे, शिफ्ट से पीछे, और इसके टैब्स इसके अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है सर। अब कर्सर मूव को मूव करने के लिए आप क्या यूज करते हो? आप एरो की यूज करते हो, डाउन एरो, अप एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। अगर मान लीजिए कि मेरा कर्सर मेरा एरो एरो की खराब हो गया, तो एंटर से नीचे आएंगे, शिफ्ट एंटर से ऊपर जाएंगे, टैब से आगे, और शिफ्ट टैब से पीछे, टैब से आगे, और शिफ्ट टैब से पीछे, ठीक है सर। इसका यूज करते हैं। क्लियर है? ये आपका एक्सेल शॉर्टकट के बारे में। अब बात आती है कि मान लीजिए कि आप हमारे हमारा जो शॉर्ट ए है, मतलब कि कीबोर्ड है, वो ही काम करना बंद कर दिया, तो अगर माउस से मुझे अर्जेंट काम करने, अर्जेंट टाइप साइप करने, या मेल आई डी वगैरह लिखने हैं, तो मुझे एक कीबोर्ड चाहिए होगा। तो कीबोर्ड के लिए आपके सिस्टम में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, पता है सर आपको? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके पास विंडोज 7 है तो एसेसरीज के अंदर में होता है, सर्च कर लीजिए मिल जाएगा आपको। आप उसके लिए आप पूरा का पूरा काम कीबोर्ड से कर सकते हैं। हाँ, कीबोर्ड आप मान लीजिए आपको कीबोर्ड का एट द रेट बटन काम नहीं कर रहा है, आपको मेल करने इंटरनेट पे जाके, तो बिना एट द रेट हो जाएगा आपका मेल नहीं होगा ना, उस केस में यहाँ यूज कर सकते हो आप, यहाँ एट द रेट दबा दो, यहाँ शिफ्ट दबाओ, एट द रेट क्या, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। हाँ, ऑन स्क्रीन की हो, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए हम इसका यूज करते हैं। आया समझ में सर? तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के जरिए हमने इसका यूज किया।
उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कि अगर विंडो का कीबोर्ड की शॉर्टकट की चाहिए तो विंडो बटन के साथ आप F1 प्रेस कीजिए, आपके यहाँ पे विंडो के जो सर्च बार ये हेल्प आ जाएंगे, इसमें आप सर्च कर लीजिए शॉर्टकट, यहाँ शॉर्टकट मिल जाएगा। या ऑफिस MS ऑफिस का शॉर्टकट चाहिए तो MS ऑफिस यूज़ कर सकते हो, ठीक है सर। तो अभी फिलहाल आप क्या कीजिए, आप एक्सेल शॉर्टकट एक बार स्टडी कर लीजिए और एक बार आप लिमिट्स को स्टडी कर लीजिए, दो चीज़ें आप इसको कर लीजिए। और आज की जो ट्रेनिंग है इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर देता हूँ, आपको थोड़ी देर में उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। और प्रीवियस जो क्लास की रिकॉर्डिंग थी उसको भी देख लीजिएगा।